आइए देखते हैं आशा बहन जी दस्तक अभियान की एंट्री ई कवच में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आशा बहन जी को अपनी आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन कर लेंगे तो आपका स्क्रीन ओपन होते ही आपको इस तरह से आइकन दिखते हैं जिसमें आप सर्वे का काम करते हैं और अन्य काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो प्रशिक्षण में जाना है और UDSP का परिचय में जाके आपको ये वीडियो देखना है। जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे अंत तक, उसके बाद आपको UDSP आइकन पे जाना है, प्रशिक्षण प्रारंभ करें पे क्लिक करेंगे और जैसे ही प्रशिक्षण प्रारंभ करें पे क्लिक करेंगे तो आपने वीडियो देख लिया तो इस तरह से बधाई संदेश आएगा कि आप एप्लीकेशन के मुख्य संस्करण पर कार्य करना चाहती हैं। हाँ पे क्लिक करेंगे, अगला करेंगे। अगला करने के बाद आप यहाँ से प्रशिक्षण समाप्त करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद में आपको UDSP आइकन पर क्लिक करना है, जो आपका UDSP आइकन यहाँ दिख रहा है। UDSP आइकन पर आप दस्तक कैंपेन जुलाई पर क्लिक करेंगे, अपना क्षेत्र चयन कर लेंगे, अगला पे जाएंगे। आपके सभी सर्वे किए गए सदस्यों की सूचना यहाँ दिखाई देगी, तो जो भी लक्षण वाले सदस्य होंगे उन्हीं की एंट्री इस पर की जाएगी, सभी की एंट्री नहीं की जाएगी। तो इसमें जैसे मान लीजिए किसी के घर में आप गए और पप्पू नाम है उनका और पप्पू पे आपने क्लिक कर लिया। उसके बाद कौन सी प्रकार की डिजीज़ है, जैसे मलेरिया है, ILI है, ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्रोसी है, फाइलेरिया है या कुपोषण है, इसमें से चयन कर लेंगे। तो ट्यूबरक्लोसिस ले लिया, अगला करेंगे। तो ये 2 हफ्ते से खांसी आ रही, हाँ या नहीं। वज़न कम हो रहा है लगातार, हाँ या नहीं। खून के साथ खांसी आ रही, हाँ या नहीं पे क्लिक करेंगे, अगला करेंगे। मैं डेटा दर्ज करना चाहते, अगला। फार्म पूरा हो गया, जमा कर देंगे। जमा करने के बाद बाहर आएंगे और एक बार अपना डेटा सिंक कर देंगे। इस प्रकार आप दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत अपने क्षेत्र के संभावित या संदेहजनक रोगियों का विवरण इसमें भर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया थी। धन्यवाद।